ओम शांति। हम अभी श्राद्ध के कथाएं कहानियों स्पिरिचुअल राज समझ रहे हैं। अगले एपिसोड में हमने देखा दोनों बहनों ने अपनी सहमति से फल जो था ना महात्मा ने दिया था उन्होंने गौ को खिलाया क्योंकि उसको भी कोई औलाद नहीं थी, पर फिर गाय को बछड़ा हुआ और वो वुमन बच्चा था और उसके कान सिर्फ गाय की तरह बड़े बड़े थे इसलिए उसका नाम पड़ा गौ कर। इधर धुंधली की बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, फिर वो धुंधली के पास आई। अब धुंधली ने भी अपने बच्चे का नाम अपने नाम से मिलता जुलता रखा धुंधकारी। दोनों बच्चे बड़े होने लगे जहाँ गौकरण बहुत अच्छा संस्कारी बालक सर्व गुण संपन्न पंडित और ज्ञानी विद्वान बनता है, वहाँ धुंधकारी सर्व और अवगुण संपन्न बचपन से ही बुरी आदतों में भर कर बिगड़ गया। तहजीब हर औलाद को इतना अच्छी मिले, नहीं सड़क पर माँ बाप मिले, न कचरे में कोई बच्ची मिले, ऐसी कोई अवगुण नहीं जो उसमें नहीं था। झूठ बोलना, चोरी करना, मदिरा पान करना, नशा करना, गलत संग करना, सारे दुष्ट कर्म करने लगा और माँ पिता का सारा धन बर्बाद कर। माँ बाप चाहे तो अपने बच्चे को संत भगत अच्छा बना दे और छोड़ दे तो वो चोर डाकू लूट बन जाए। सोच भले ही नहीं रखो लेकिन संस्कार पुराने ही अच्छे होते हैं। सोच बदली जा सकती है लेकिन संस्कार नहीं। संस्कार को कोई मॉल से नहीं पर ये तो नींव है जो जुड़ती है परिवार के माहौल से। संस्कार दिए नहीं जा सकते, केवल परिवार से ही सीखे जाते हैं। संस्कार इसके लिए कम हो गए हैं कि बच्चों ने पहले अपने बुजुर्गों से सीखे थे और अब गूगल से सब कुछ कॉपी हो सकता है, मगर चरित्र व्यवहार संस्कार और ज्ञान नहीं। जब बारिश न हो तो फसल खराब होती है और जब घर में धर्म और संस्कार न हो वहाँ नस्ल खराब होती है। बच्चों का बचपन कोरे कागज की तरह होता है, जिस रंग से बढ़ोगे वैसे ही दिखे। परिवार के बच्चों को सुख सुविधाएं देना बड़ी बात नहीं है लेकिन उनकी गलतियों को सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना है। कोशिश करें कि बच्चे भविष्य में कोई गलत न करें। टीवी या मोबाइल दिलाने से पहले टाइम दीजिए, संपत्ति देने से पहले सम्मति दीजिए, स्वतंत्रता देने से पहले संस्कृति दीजिए, व्यापार देने से पहले व्यवहार दीजिए, कार देने से पहले नौकार दीजिए, कॉलेज देने से पहले कर्मों का नॉलेज दीजिए, दोस्त देने से पहले दादा दादी जी का दुलार दीजिए, परिवर्तन देने से पहले माता पिता का प्यार दीजिए, जमाने की हवा लगने से पहले अपना अनुभव दीजिए तो बन जाएंगे आपकी आंखों का तारा और सारे संसार का दुलारा। अपने बच्चों को संस्कार दीजिए नहीं तो वो आपके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयानक कलयुग चल रहा है। जीवन में धन तो कभी भी हम कमा सकते हैं मगर सम्मान केवल अच्छे संस्कारों से ही मिलते। एक बात याद रखना, बुढ़ापे में आपको रोटी आपके बच्चे नहीं उनको दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। माता पिता दोनों की जिम्मेवारी होती है कि बच्चों को सही या गलत होने पर। अगर माँ बाप बचपन से ही बच्चों पर ध्यान दे और उन्हें अच्छे संस्कार दे तो वो ही बच्चे आगे चलकर महात्मा बुद्ध महावीर बनते हैं। धुंधकारी गलत रास्ते पर जाकर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया और दोनों माँ बाप उससे बहुत दुखी थे। अब उसे उस महात्मा की याद आई और रोने लगे कि इससे तो अच्छा होता संतान ही न होती, ठोकर खाई तब अक्कल आई। रोने लगा तब उसी समय उसके ज्येष्ठ पुत्र गौकरण, वो तो बड़ा संस्कारी था क्योंकि वो तो महात्मा की तपस्या का फल था, तो कहा जाता है वो तो सदैव सत्संग करता था, आध्यात्मिक ज्ञान सुनता था, उसका प्रचार प्रसारण भी करता था, बस इसका तो मन ऐसी ही बातों में रमा रहता था। उसने अपने पिताजी को भी समझाया, छोड़िए अब इस मोज माया जंजाल के फंदों को, अपना तो सिर्फ केवल एक परमात्मा ही है, प्रभु संसार में पर बचो परमात्मा को। संसार में आसक्ति या दिल लगाएंगे तो वो तो हमेशा रुलाएगी। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगी में ऐसे जैसे कमल रहते हैं पानी में। कमल रहता पानी में जरूर है पानी कमल पर नहीं, इसलिए वो हमेशा निर्लेप होता है, उसे पानी के छींटे भी स्पर्श नहीं कर सकते। गौकरण ने अपने पिताजी को समझाया कि धन्य है वो जो अब संतों की संगत में रहकर उनकी सेवा करे। वो खुद भी चले गए तीर्थ यात्रा पर और अपने पिताजी आत्मदेव जी को भी समझाया, मेरे हिसाब से आपको भी गृहस्थ त्यागना चाहिए। देखो पहले जमाने में भी लोग जब बच्चे बड़े अच्छे समझदार हो जाते थे तो वो सब कुछ अपना काम सौंपकर वैराग ले लेते। आत्मदेव को भी ज्ञान सुनने के बाद वैराग उत्पन्न हुआ और वो भी वन चले गए तपस्या कर। अब घर में तो सिर्फ धुंधकारी और उसकी माँ धुंधली, दोनों की रोज लड़ाई होती, आखिर धुंधली भी तंग आकर उससे अपने देह त्याग। अब धुंधकारी तो
और भी स्वतंत्र हो गया। ध्यान देना, दुष्टता को अगर स्वतंत्रता मिल जाए तभी स्थिति बड़ी भयानक और बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। और देखो वह भी ऐसे ही धंधकारी के साथ, जैसा नाम वैसा काम, चोरियां करना, बुरे काम करना, ये सब करने लगा। अब तो वो अपने घर में 5 वेश्याओं को भी घर में ले आया। फिर कहा जाता है कि धंधकारी ने राजा के महल में चोरी की और वो सारा खजाना लूट कर आया और वेश्याओं को दिया। कहा मैं आपको सब दूंगा लेकिन पहले आप सब मेरी इच्छाएं पूरी करो। और वेश्याओं ने सोचा ये महल से चोरी करके आया है, राजा के महल में चोरी की है और अगर राजा के महल का सिपाही इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए ये तो पकड़ा जाएगा पर हम भी तो फंस जाएंगे। इसलिए इन 5 वेश्याओं ने उसको बड़ी बुरे तरीके से तरपा तरपा कर मार डाला और उसकी अकाली मूर्ति सदगति नहीं मिली और वो प्रीत युनि में चला गया। अब जब गौकर्ण वापस आया तो देखा घर तो खंडर हो चुका है, उसे सब मालूम पड़ा। तब धंधकारी के लिए गया में जाकर श्राद्ध क्रिया तर्पण किया पर फिर भी उसे मूर्ति नहीं मिली। जब प्रीत युनि में गया था उसे वहाँ बहुत कष्ट भोगने पड़े, बहुत उसे तकलीफ होने लगी। जब उसे ज्यादा तकलीफ होने लगी तब वो अपने भाई गौकर्ण को याद करता है। वो गौकर्ण के सपने में जाकर उसे कहता है प्लीज आप तो संत हो मेरा उद्धार करो। उसे कहता है कि मुझे इस प्रीत युनि से मुक्त कर। कहा जाता है गौकर्ण ने 7 दिन की गीता कथा रखी और 7 दिन उसने गीता का ज्ञान सुनाया। एक बांस का टुकड़ा 7 घंटों वाला उस पर था धंधकारी। वो गीता का ज्ञान सुनता रहा तो हर रोज एक एक गांठ टूटी रही और वह 7 दिनों में सारी 7 गांठें टूटी रही। फिर उसको मुक्ति मिल जाती है और स्वर्ग लोक से विमान आता है और उसे ले जाते हैं। प्रीत युनि से वो मुक्त हो जाता है। ये कमाल है सत्संग या गीता सुनने की, अपने मन को शुद्ध करने के लिए। इसलिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अब ये सारी कथाएं है, आगे बताते हैं कि गौकर्ण ने उस विमान को रोका और कहा कथा तो यहाँ सबने सुनी तो इन सबको क्यों नहीं ले जाते हो। तब दूतों ने कहा कि कथा केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। कई बार हम भी समझते हैं हमने तो इतनी कथाएं सुनी है, इतना सत्संग किया है, फिर भी कुछ परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आप सब तो सिर्फ सुन रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले है श्रवण। आज तो सभी बोलने में लगे रहते हैं, किसी को भी सुनना पसंद नहीं करते। दूसरा है चिंतन, तीसरा है मनन। तो उन्होंने ये बात बताई कि इन्हीं बातों पर अगर ध्यान दोगे तो आपका कल्याण होगा। ये 3 शब्द आपको हर क्षेत्र में कामयाब बनाए। श्रवण मीन्स सुनना जरूरी है, तभी तो हम ग्रहण कर पाएंगे। समझदार वो है जो ज्ञानी और मूर्ख दोनों को सुने। क्यों? क्योंकि ज्ञानी से मालूम पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और मूर्ख से मुझे पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। दोनों से फायदा मिलेगा। इसलिए ज्यादा सुनने के लिए 2 कान दिए गए हैं। बाद में है चिंतन। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं पर जिज्ञासा वश प्रश्न उत्तर से सही मार्गदर्शन दिलाती है। सच क्या है और सत्य क्या है उसको ढूंढना सिखाती है। गीता में क्या है, अर्जुन प्रश्न करते हैं, श्री कृष्ण जी उसे सही मार्गदर्शन करते हैं, उपदेश देते जाते हैं। तो कथाओं में जो बातें बताई गई है उसे अंधविश्वास से पट्टी बांध कर विश्वास नहीं करना है, चिंतन करना है। क्यों बताया गया, क्या बताया गया, सही क्या है, गलत क्या है, क्या मेरे लिए उपयोगी है, तब परिवर्तन आएगा, कल्याण होगा। तीसरा मनन, सुन लिया फिर चिंतन करने से समझ भी लिया, अब उस पर चलना भी तो पड़ेगा ना, उसे अपने जीवन में उतारने से ही तो कल्याण होगा। जब ये 3 चीज अपने जीवन में धारण करोगे फिर वही कथा दूसरी बार सबने सुनी और फिर 3 ही बातों पर ध्यान भी ज्यादा रखा, फिर विमान आता है और सबको वापस ले जाता है स्वर्ग। तो ये है भागवत कथा की महिमा। सोचो जब मरने के बाद भी मुक्ति करता है प्यारे, तो जिंदगी होते जीते जी भी जीवन में अगर हर रोज ऐसी कथाओं से सत्संग ध्यान से मनन करेंगे तो क्यों नहीं मुक्ति मिलेगी। फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हमारी मुक्ति कर। पर इसमें शर्त ये है कि बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, चिंतन करना और फिर जीवन में धार। तो आत्म मंथन और मनन है ऐसे आयाम, दिल को सुकून दे पहुंचा देते हैं मुकाम, उलझने सारे सुलझा देते, दुख सारे मिटा देते। लिखना पाठन वंचन सब है व्यर्थ अगर ना हो चिंतन मनन और आचरण। आज हम इतना ही समझेंगे, बाकी की कथा हम आगे दूसरे पार्ट में सुनेंगे। तब तक आप इस कथा पर करेंगे मनन, चिंतन और आचरण और अपने जीवन का कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति।